पूछती है कि आपका कोई काम बना, कोई मसला हुआ? सेठ जी, जयराम जी की। हाँ, जयराम जी की। सेठ जी, आपका कुछ काम बना? हाँ। कांगड़ी मिली है, सोने सोने कांगड़ी मिली है। हाँ। मेरी बात नहीं सुनाइए। तेरा
और दादू के मिला के की तो सुन ले भी सुना जब पता मेरा लगा किसे लिहाजदार सो हां ठीक भाई डाल पड़ रहा है ना जो पानी बात कहूंगा वह सर में लिहाज की होगी अरे ये करपइए तन चवन्नी प्याज की होगी Thank you.
याद करो के ज्यादा ब्याज का लोभ अच्छा नहीं होता मेरे भाई। बराया तो त्री शरम से ना तो हमका ठन्ना ठोका करा ना रुपिए दई की बिताल में आ गया पर कोई मुंह न फोड़नी आ गया ना तो तू रियो घणे दिन पड़े पड़े रिकोगे देख मुंह न फोड़ने आ गया सरलाल नाड़ा जो आ गए भैया विच हां मैं दूर हो गया ना तू गिरवी रख कर के कांगने को बराया जो सा घर पर आए। हाँ सेठानी। हाँ सेठी आपका काम बन गया। गिरवी रखा है। अच्छा पैसे मिल गए। अच्छा अब क्या विचार है आपका? मेरा विचार तो हापुड़ जाने का है। हापुड़ जाने का? हाँ सेठ जी ये साधु के प्रताप से सब कुछ हो रहा है, आपने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा सेठ जी? अरे ये तो मैं भूल ही जाता हूँ, यूं ही तो स्त्री को देवताओं का दिया हुआ मित्र कहते हैं जी, मेरी और इसी प्रकार से वो अर्धांगिनी कहलाती है, आधे उनकी शादी जी, कि पति कोई काम भूल जाए बात भूल जाए तो सलाह मशवरा दे। हाँ सर जी उन्हीं से तो सब कुछ हो रहा है कि नहीं जी? हाँ हाँ कुछ कहना चाहिए ये क्या है?
चाहिए जो दुखी आके सुख न बटे ते अरे मात पिता तू इज्जत करिए जे रोज रे दिल डटे से जे साधु जी खड़ा आवे तन से दे सेवा ओ गरीब भाई जो साहस देता है जी, कहता है कि रो मत घबरा मत जी, उसका सम्मान उसकी इज्जत माता पिता के बराबर करनी चाहिए जी हाँ। ठीक है, आखिरी बात क्या थी? कल बाप का घड़ा फूट गया जब मथुरा में कृष्ण हो गए थे। मथुरा में नहीं भाई, मथुरा में। हाँ, मथुरा में कृष्ण हो गए थे। कल उस बाप का घड़ा फूट गया जब मथुरा में कृष्ण हो गए थे। कहे लक्ष्मी चंद हरी रक्षा करेंगे जब साधु जी प्रसन्न हो गए थे। प्रसन्न हो गए थे जी हाँ। हाँ। जब तने बेटे के दर्शन हो गए थे महिमा ऋषि की गाय हापुर ने पिया फिर चला गया। पिठानी तन अच्छे वक्त पर याद दिलाया, अगर मैं चला जाता तो मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। ठीक, तू बैठ, मैं अभी जा रहा हूँ साधु जी के पास और उन्हें घर ले जाऊँ। हाँ साधु जी महाराज, खुश रहो। क्या आपका काम बना? कुछ बढ़िया, कुछ बाकी है। बाकी क्या रह गया? धन मिला। अच्छा, जो आपने बताया था कि मेरी थूनी में धन मिलेगा जी, वो मिला। अच्छा, उसे गिरवी रख दिया, फिर पैसे ले आया। अच्छा, मगर लड़के को छुड़ाने के लिए हापुर नहीं गया। क्यों नहीं गए? महाराज आपके पास आया हूँ। किस काम के लिए? मेरी एक विनती है। क्या विनती है? आप मेरे साथ मेरे घर चले। नहीं नहीं, साधु का घरवारी का कोई मेल नहीं होता। अच्छा, घरवारिया के टिकट पाड़ा उनसे मेल नहीं है। जुलम से भाई पापा के खड़ा कर रहे हैं। मैंने कुछ गलत कह दिया महाराज? गलत नहीं कहा आपने, मगर मेरी बात सुनिए। सुनाइए। सुनिए, पंचम से हो जाओ, पुत्री पंचम से पंच बता दीजिए। गरबारी को Oh,
ओरे साधु आजा लगे जान के रखने बच्चा लगे जान के रखने के गुणगान में लगे रहे। सोना तो उनका है जो माया में लिप्त है। दूसरी बात, बहुत आदमी चतुर मिले घड़े मिले बेकूफ। कदे गर्मी कदे सर्दी चाहिए, कदे छाया कदे धूप। जिसका रूप वैसा जादू चाहिए, ना होना कमती बादू चाहिए। ढूंढे ऊपर साधु चाहिए, सेवक आए जाएगा। हाँ जिब्बे कदर सी से भैया आड़े कोई बैठा से और उन खाम खाम धुमा उठेगा यार, मानस को ऐसे नहीं देखे पा जाए। तीसरी बात, सब जनता से प्रेम हमारा, बैरी दुश्मन हम ना किसी के। बैरी दुश्मन हम ना, अपने दूड़े की मेर करे से और किसी से और किसी से कम ना। और जमुना जी के कंठारे पे, दया प्रभु की सहमारे पे, हरी भजन करे तारे पे गाए जा बजाए। बहुत सी बहुत सी। आखिरी बात, क्या लक्ष्मी जन संस्था में मिलकर बाणी कथा अनंत।
भोजन भजन करने की खातिर चाहिए जगह एकांत। जो अपने खातिर नाट गया और मानस पीते हो, ये तो बेवकूफ से असली वकलमंद ला रहा है इसने। अरे सत्य फिरे मैदान बहुत से है, घूमने में व्यवहार बहुत से। अच्छा अच्छा, मेरा धोरा सामान बहुत फायदा से लुवाई क्या सामान? मेरे धोरे सामान बहुत से। हां कित खाए जा सगवाए जा क्या सामान न काटे भाई जोलम सारा नगरिए और सर लाल और बग्गी में जुड़े जाओगे सामान न खा के धरती और के यार हमारे भरोसे तो सामान भी खो सकते हैं भाई। ले भाई हमने के मेरा तमी से गिरे उड़ झोंक सामान के भी हाथ नहीं लाओगे और खाया करे वो खाओ दोगे जो तने चौकरी के वो खा करे मैं जब जानू ने पेट फाले ने पेट भी मारे तू बांबर दा भाजा रा पेट कने देख रे वो कोई बात ना से हम नहीं जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं साधु जी। जी हाँ क्या मैंने जो प्रार्थना की थी जी उस पर आपने गौर नहीं किया? बिल्कुल नहीं। करोगी क्या करोगी? महाराज मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इनकार मत करना। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। आप ये पुष्टि करेंगे? दुनिया की बातों से आप डरते हैं कि कोई कुछ का कुछ इल्जाम लगाएगा? जी हाँ मुझे डर लगता है। महाराज मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ। और मेरी बात सुन लीजिए। सुनाइए। ओ ये गया अतिथि के बदले हम दुख सुख वरी जाने से क्या ऊपर क्या
तुसी मेरी सेठानी ये नरम आली जो है हाथ जोड़ के बात पूछ ले तो हाथ मरम आली वक्त उठे स्नान ध्यान करे नाम करम आली दिल शांति दया धम और लिहाज शर्म आली से तू सामान ने नहीं छोड़ रहा अच्छा तो आइए मेरे साथ चलिए हाँ सेठानी साधु जी चरणजीत महाराज जी हाँ अब आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां पूरी जाऊँ क्या करने के लिए एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ हाँ काफी बड़ा मकान है मकान के ऊपर के भाग में जाकर आप जो अपने ठहरने के लिए स्थान ठीक समझे ठीक उसमें ठहरिए और जिस चीज की इच्छा हो जी आप आवाज लगा देना वो चीज आप तक पहुंच जाएगी अब कहिए आप क्या कहना चाहेंगे अब आप क्या करेंगे मैं हापुड़ जाऊंगा
क्या करने के लिए? लड़के को छुटाने के लिए, वो जो आपने बताया। तो एक काम करना। क्या? हापुड़ से आते समय। अच्छा अच्छा, वापिस आते समय। जी हाँ, दिल्ली शहर से एक मील दूर रह जाओ। अच्छा अच्छा, तो मेरे पास खबर कर देना पहले। जी हाँ, क्या हमारे जाऊँ मैं? तो मेरी इस वरन मैं ले ली, आपने दिए थे वो वहां लाए थे, वो 200 रुपए भी खो गए, तो और क्यों नहीं ले गए?
नहीं हा? मैं उसी ऋण के बोझ से दबाया हुआ हूँ आज तक। अरे नहीं, हमारा तुम्हारा क्या है? छोड़िए। अच्छा, आज परमात्मा ने मुझे इस योग्य बनाया है। हाँ, तो आपका कर्जा लौटा दूं। भाई कैसी बात कर रहे, हमारा तुम्हारा क्या कर्जा है? और फिर जैसे कि दोस्त दोस्त से मिलता है। हाँ, उन्हीं नजरों से मिली। छाती मिली और दर्द मिले, शरीर मिले, तेरी मिले। भाई अरे ये ले 200 रुपये तुमने चाहे बेशक ना लिखा हो, हमने नहीं लिखा था वो, लेकिन भाई उस अक्षर को मैंने हृदय में लिखा था। कोई बात, अरे दुनिया में प्यारे बहुत से, पर तेरे जिसे ये भाई माफी चाहूंगा। किस बात की? अरे गणेश नाम ये दाम बने से सोचता जी थे। अरे गणेश नाम दाम बने से सोचता जी थे मारे भाई के ले दो सोना। मेरे मनसा से भाई
मेरे सिर पर भरोसा धरा परंता, मेरे सिर पर भरोसा धरा परंता, पकड़ के बांधा है सवाई तेरे तो छोड़ दो पहले गोपाल की भाई जय गोपाल, गोपाल की। अब देखिए चंद्रगुप्त को बुला दीजिए। अच्छा आंखें उसे देखने के लिए तरस रही। बैठिए आराम करिए, मैं अभी बुलाता हूं। ठीक सेठ ताराचंद देली वाले वो आए हुए हैं। आए हुए हैं, सुनाइए। बोल छोड़ दे, तेरा बाप कहेगा। बेटा चंद्रगुप्त, ये माता जी क्या बात है? हाँ माता जी नमस्कार। बेटा खुश रहो। बेटा हाँ माता जी, आज तुम्हारे पिताजी आए हुए हैं। कौन से? कौन से? वो दिल्ली वाले, जाओ उनसे मिलो। अच्छा ठीक है, जाओ। हाँ पिताजी नमस्कार। हाँ खुश रहो भाई। देखिए मेरे पिताजी कौन से हैं? आपके पिताजी वो सामने खड़े हैं। चंद्रगुप्त भाई, अब तो तू जवान हो गया भाई। और भाई बात ऐसे है, मैंने भाई का वो कर्जा चुका दिया। ठीक है समझे? हाँ जी। अब तू 12 साल यहाँ रहे हो ना? हाँ जी।
इनकी सेठानी को मां कहें। हाँ जी, इनके लड़के की औरतों को भाव कैसा रहा? हाँ जी, चलो आगे बेटा, किस भाग का नमक पानी खाया जाता है। और वहां से फिर जाना भी पड़े तो उस घर के सभी जितने सदस्य होते हैं उन सब से माफी मांगने का यह हक होता है उस इंसान का जो उस घर में रहकर उस घर का नमक पानी खाता रहा। ठीक है जी, जाइए अपनी माँ से, अपने भाइयों से मिल, कुछ खोट हुआ हो 12 साल में तो उनसे उसकी माफी मांग और फिर घर चलेंगे। हाँ माता जी नमस्कार। हाँ बेटा कैसे हो? देखिए आज मैं अपने घर को जाया हूँ, कुछ गलती हो तो माफ करना। बेटा तुम्हारे से कोई गलती हो सकती है, मेरी बात सुनो, सुनाइए। दयावती देखिए आज के युग में असल माँ जो पुत्र को जन्म देती है वो भी अपने पुत्र को ये शिक्षा नहीं देती। और एक वो माँ थी जो दोस्त की और जिसे वो माँ कहा करता वो शिक्षा दे रही है चंद्रगुप्त को, क्या सुनिए जरा। और दयावती मुझे और सफाई मतला करिए